अरे क्या हो गया? आपका मुंह क्यों फटे दूध की रबड़ी जैसा हो गया है? टकलिया क्राइम ब्रांच के हाथों में लग चुका है। वो कादर भाई के घर पे ही था। ए भगवान, तो हमारे हाथों क्यों नहीं लगा? लगता है उस लड़के ने हमको गलत एड्रेस बता दिया। अरे अरे, ये तो अपने कमिश्नर साहब के दोस्त पोपटलाल के ईमानदार मुलाजिम है, और इनको छुड़ाने के लिए अब तक तो दर्जन फोन पहुंच चुके। यही तो सोच रहा था, आनंद माथुर और कादर भाई दोनों साथ कैसे रह सकते हैं? काजल भाई? हाँ हाँ, काजल भाई। लेकिन कौन है जिसके हाथ मिनिस्टर तक पहुंचे हुए? वो मेरी महान बेटी है। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो वो तुम्हारी टोपी वाली छोकरी। वही टोपी वाली छोकरी। उसकी टोपी की वजह से मुझे आज हथकड़ी पहननी पड़ी। उसकी टोपी उतारनी पड़ी। मम्मा, इन्हें मार खाने की आदत नहीं है। मम्मा फिकर मत करो, डैडी का दिमाग बहुत अच्छा है, वो मार खाना भी सीख जाएंगे। मॉम प्लीज, तू चिंता मत कर, अबू ने ऐसा बंदोबस्त किया है कि तेरे पति परमेश्वर को कोई उंगली तक लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। अरे उल्टा माफी मांगकर छोड़ देंगे। हाँ, कोई आया, मैं देखती हूँ। डैडी, आपको पुलिस ने कितना मारा? अरे यार, किसी का हिम्मत है जो काजल भाई के बाप को हाथ लगाएगा? भाई, अगर आज के बाद ये शब्द तूने अपने नाम के पीछे लगाया तो मैं घर से हकाल दूंगा। उसे डांटना नहीं, तुम झूठ कर आए हो ना, उसी की मेहरबानी से। और पकड़ा गया वो भी उसी की मेहरबानी से। अभी एक नौकर चक भाग कर आया है, अपन का नाम टकलिया शूटर है।